भारत के पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों पर इन्होंने अपने काम से अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको कुछ ऑप्शन देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सोचिए सोचिए, क्या लगता है आपको कौन थे भारत के पहले कृषि मंत्री? चलिए हम ही आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी कुछ रोचक बातें। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि वे देश के पहले कृषि मंत्री भी थे। देश के पहले कृषि मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1946 से लेकर 14 जनवरी 1948 तक रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1931 में सत्याग्रह आंदोलन और 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी के साथ जेल भी जाना पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साल 1934 से 1935 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1946 में हुए चुनाव के बाद उन्हें केंद्र सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था और आजादी के बाद उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत की छवि को मजबूत बनाने के लिए कई देशों का दौरा भी किया। राष्ट्र के प्रति उनका योगदान को देखते हुए उन्हें देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।